हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिरों में हुई सावन के पहले सोमवार की पूजा। काशी उज्जैन में उमड़े श्रद्धालु। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। दिल्ली के सभी शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगी लाइनें। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, श्यामा प्रसाद ने भारत की एकता को आगे बढ़ाने के लिए किए कई साहसिक काम। आज ही के दिन 1901 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था मुखर्जी का जन्म। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 24,248 नए केस, 425 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,97,413, 19,693 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, रूस को छोड़ा पीछे। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का आना शुरू। गुजरात में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। द्वारका, पोरबंदर में सड़क पर तैरती दिखी गाड़ियां। जगह जगह पानी भर जाने के कारण आम लोगों को हो रही है परेशानी। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील। विकास दुबे मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चौबेपुर थाने के 2 दरोगा, 1 कांस्टेबल सस्पेंड। तीनों पुलिसकर्मियों पर विकास दुबे से संपर्क होने का आरोप। 3 दिन बाद भी नहीं चला विकास दुबे का पता, तलाश जारी। आज से देश भर में खुल रहे हैं सभी ऐतिहासिक स्मारक। कोरोना संक्रमण के चलते नहीं कर पाएंगे अभी ताजमहल के दीदार। आगरा का किला भी रहेगा बंद। 17 माह से बंद है आगरा का ताजमहल और लाल किला। खालिस्तान समर्थक संगठन पर कार्रवाई। गृह मंत्रालय ने ब्लॉक की 40 वेबसाइट। अलगाववाद को बढ़ावा देने और युवाओं को भटकाने जैसे आरोप। पिछले कई दिनों में ये भारत सरकार का दूसरा बड़ा फैसला। इससे पहले सरकार ने करीब 59 चीनी ऐप को किया था बैन। भारत और चीन विवाद के बीच LAC पर 1 किलोमीटर तक पीछे हटी चीनी सेना। गलवान घाटी के पास बना बफर जोन। दोनों देशों में बातचीत के बाद बदला माहौल। भारतीय सेना की तरफ से अभी तक नहीं आया कोई आधिकारिक बयान। नेपाल में राजनीतिक उठापटक जारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 8 जुलाई तक के लिए स्थगित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर इशारों में हमला जारी। सोमवार को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को कहा चाइनीज वायरस। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अधिक टेस्टिंग की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे यहाँ अब मौतों का आंकड़ा हो रहा है कम। बॉलीवुड के पावर हाउस रणवीर सिंह का जन्मदिन आज। मना रहे हैं अपना 35वां जन्मदिन। अपनी फिल्मों की चॉइस और एक्टिंग को लेकर रणवीर की होती है जमकर तारीफ। रणवीर की गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे कलाकारों में होती है। बैंड बाजा बारात फिल्म से रखा था फिल्मी दुनिया में कदम। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।